दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली लाइफ इंग्लिश सीरीज में। माय डियर फ्रेंड्स, इस इंग्लिश लर्निंग सीरीज में हम सीन को देखते हैं और उसको देख के इंग्लिश को सीखते हैं, साथ ही वर्ड की प्रोनंसिएशन एंड वोकैबुलरी के लिए आपको नए वर्ड्स भी बताते हैं। और मजे की बात, इन सभी के साथ साथ हम आप सभी को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी बताते हैं। तो यार, आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने, तो आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और दोस्तों साथ ही आप दबा लीजिए इस बेल आइकन को, जिससे हम आप सभी के लिए जो भी नई वीडियो लेकर आए हैं सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। सो नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बापू क्लासेस। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। दोस्तों, सबसे पहले आप इस सीन को देखिएगा और ऑडियो को वर्ड बाय वर्ड ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आए तब भी आप देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर गेरा, आई एम एंथनी लेविन, दिस इज माय असिस्टेंट फ्रांसिस्को अल्वारेज। होप यू हैड अ गुड ट्रिप मिस्टर गेरा। वेल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेल्ड इन मनागुआ एयरपोर्ट फॉर 7 आवर्स, इट वाज जस्ट फाइन। सॉरी टू हियर दैट। डोंट वरी, आई एम यूज्ड टू इट हियर। We live under a terrorist dictatorship. Thank you very much for coming. Have a seat. Can we offer you anything? ओके माय फ्रेंड्स, सो अब आपने सीन देख लिया है, चलिए अब आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब वो मैन एंटर करता है तो वो दूसरे पर्सन के साथ हैंडशेक करता है एंड साथ ही उसे इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम बताता है और बोलता है मिस्टर गेरा। तभी दोस्तों सेकंड पर्सन उसे बोलता है आई एम एंथनी लेविन, दिस इज माई असिस्टेंट फ्रांसिस्को एल्वेंज। अब दोस्तों इस सेंटेंस में सेकेंड पर्सन भी उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एंड साथ ही अपने असिस्टेंट को रेफर करता है। अब यार, असिस्टेंट का मतलब होता है समवन हु हेल्प समवन एल्स टू डू अ जॉब। मीन्स दोस्तों, जब कोई पर्सन किसी दूसरे की हेल्प करता है किसी जॉब को करने के लिए, तो वो उसका असिस्टेंट होता है। जैसे सी इज लुकिंग फॉर पर्सनल असिस्टेंट विद गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। मीन्स कोई लेडी या फिर कोई वूमेन अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट को ढूंढ रही है जिसके अंदर अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हो और जो उसकी अच्छे से हेल्प कर पाए। तो अब दोबारा सीन पर आते हैं। सो माय फ्रेंड्स, अब असिस्टेंट हैंडशेक करता है एंड बोलता है आई होप यू हैड अ गुड ट्रिप मिस्टर गेरा। सो अब माय फ्रेंड्स, होप का मतलब होता है टू वांट समथिंग टू हैपन। मींस चाहना कि किसी चीज या किसी पर्सन के साथ ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे कि चलिए आपको एग्जांपल लेकर समझाते हैं। आई होप दे गेट द पनिशमेंट दे डिजर्व। मींस मैं चाहता हूं कि इन्हें वही सजा मिलनी चाहिए ये जिसके लायक हैं। सो अब दोस्तों, वहीं ट्रिप का मतलब होता है अ जर्नी इन विच यू गो समवेयर यूजली फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड कम बैक अगेन। मीन्स जब आप कहीं यात्रा करते हैं थोड़े टाइम के लिए एंड श्योर है कि आपको घर वापस आना है। जैसे यू शुड ऑलवेज चेक यूर ऑयल वाटर एंड टायर बिफोर टेकिंग यूर कार ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। मीन्स आपको लंबी यात्रा करने से पहले हमेशा अपनी कार का ऑयल वाटर एंड टायर्स को चेक करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब दोबारा सीन पर आते हैं। तो यार, अब वो पर्सन असिस्टेंट को डिस्क्राइब करते हुए बोलता है वेल, अपार्ट बीइंग हेल्ड इन मनागुआ एयरपोर्ट फॉर 7 आवर्स, इट वॉज जस्ट फाइन। देन दोस्तों फिर असिस्टेंट बोलता है सॉरी टू हियर दैट। अब यार, वेल का मतलब होता है इन अ गुड वे। मीन्स दोस्तों अच्छा या फिर अच्छी तरह से। जैसे कि दोस्तों चलिए आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। Your painting has come out really well. Means आपकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी तरह से आई है। तो वहीं दोस्तों apart का मतलब होता है separated by a distance or by time. Means किसी को किसी चीज़ से अलग करना, वो उसकी डिस्टेंस भी हो सकती है और टाइम भी हो सकता है। जैसे कि the new two houses have been built quite फार अपार्ट। मीन्स जो दो नए घर बनाए गए हैं वो एक दूसरे से दूरी पर हैं।
तो अब वहीं दोस्तों, अब हेल्ड जो होती है वो होल्ड वर्ड की पास्ट फॉर्म होती है, जिसका मीनिंग होता है रोकना या फिर रोके रखना। सो अब दोस्तों चलिए फाइन को देखते हैं। यार इसका मतलब होता है गुड और गुड इनफ, मीन्स अच्छा या फिर बहुत ही अच्छा। जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही कैन से दैट एवरीथिंग फाइन व्हेन इट इज सो ऑब्वियस दैट इज नॉट, मीन्स ये ऐसा कैसे कह सकता है कि सब कुछ ठीक है जबकि ऐसा नहीं होता है। सो माई फ्रेंड्स, आप नोटिस करना इसमें फाइन से पहले इसलिए जस्ट वर्ड का यूज किया है। तो यार अब आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यार हियर का मतलब होता है लिसन टू समवन और समथिंग, मीन्स किसी को सुनना। जैसे चलिए आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। कैन यू हियर दैट स्ट्रेंज क्लिकिंग नॉइस, मीन्स क्या तुम्हें ये अजीब सी और अलग सी क्लिकिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो चलिए माई फ्रेंड्स अब दोबारा सीन पर आते हैं। सो दोस्तों अब एंथनी लेविन बोलता है वी लिव अंडर द टेररिस्ट डिक्टेटरशिप, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अब दोस्तों अंडर का मतलब होता है इन और टू अ पोजीशन ऑन बिलो समथिंग एल्स, ऑफ्टन सो दैट वन थिंग्स कवर द अदर्स, मींस किसी के नीचे या डर में रहकर अपना काम करते रहना। बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग नीचे होता है। जैसे चलिए आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। I bent down to look under the bed, means मैं बेड के नीचे देखने के लिए झुका। बट इस सीन में दोस्तों इसका यूज वैसे हुआ है जैसे मैंने आपको इससे पहले डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों अब चलिए डिक्टेटरशिप का मतलब होता है the state of being or being ruled by a dictator, means जब किसी एरिया को कोई डिक्टेटर रूल करता है। बट आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, यहाँ पर डिक्टेटर से पहले टेररिस्ट वर्ड का यूज हुआ है। अब आप समझे दोस्तों। अब दोस्तों डिक्टेटरशिप के लिए एग्जाम्पल की बात करें तो आप इंडिया भी ले सकते हैं, अमेरिका भी, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। सो अब नेक्स्ट लाइन में वो जस्ट उसका आने के लिए थैंक यू करता है। तो चलिए माय फ्रेंड्स अब दोबारा सीन पर आते हैं। अब एंथनी बोलता है हैव अ सीट, कैन वी ऑफर यू एनीथिंग। अब दोस्तों सीट का मतलब किसी भी चीज का कोई पार्ट जो बैठने के लिए बनाया होता है। सो मेनली इस लाइन में वो उसे बैठने के लिए बोल रहा है। अब वहीं दोस्तों ऑफर का मतलब होता है टू आस्क समवन इफ दे वुड लाइक टू हैव समथिंग, मींस किसी दूसरे से पूछना कि तुम क्या चाहते हो। जैसे डोंट ऑफर हिम अ सिगरेट, ही हैज ट्राइंग टू गिव अप, मींस तुम इसे सिगरेट के लिए मत पूछो, ये सिगरेट छोड़ने की ट्राई कर रहा है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी लाइंस को अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए चलिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन सभी चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपके लिए दोबारा सीन प्ले करेंगे, फिर आपके लिए स्टेप टू पर जाएंगे। मिस्टर गेरा, आई एम एंथनी लेविन, दिस इज माय असिस्टेंट फ्रांसिस्को अल्वारेस। होप यू हैड अ गुड ट्रिप मिस्टर गेरा। वेल अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेल्ड इन मनागुआ एयरपोर्ट फॉर 7 आवर्स, इट वाज जस्ट फाइन। Sorry to hear that. Don't worry, I'm used to it here. We live under a terrorist dictatorship. Thank you very much for coming. Have a seat. Can we offer you anything? तो चलिए अब स्टेप टू पर दोस्तों आपको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट आता है। अगर आपको इसे अच्छे से प्रोनाउंस करना है तो आप बोलिए असिस्टेंट। तो वहीं दोस्तों इसके बाद हमारे पास अ पार्ट आता है। अगर आपको इसे अच्छे से प्रोनाउंस करना है तो आप बोलिए अ पार्ट। उसके बाद दोस्तों हमारे पास डिक्टेटरशिप आता है। अगर आपको इसे अच्छे से प्रोनाउंस करना है तो आप बोलिए डिक्टेटरशिप। हे कम ऑन दोस्तों, मेरे साथ बोलिए डिक्टेटरशिप। तो चलिए यार दोस्तों अब इसी के साथ स्टेप्स 3 पर आते हैं और आपको वोकैबुलरी के लिए कुछ वर्ड्स बताते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमारे पास इंसिस्टेंसी आता है। दोस्तों इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टेटिंग और डिमांडिंग समथिंग फोर्सफुली, मींस जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं दबाव में लाकर। तो चलिए दोस्तों आपको इसका एग्जांपल लेकर इसको आपको और अच्छे से समझाते हैं। अवर इंसिस्टेंसी फॉर लग्जरीज शुड नॉट कॉज अ मिजरी टू एनीवन, मींस दोस्तों जो हमारी लग्जरी लेने की इंसिस्टेंसी होती है उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों उसके बाद आता है निगेट। इसका मतलब होता है टू बी द अपोजिट ऑफ व्हाट वाज थॉट, मींस जो हम सोचते हैं उसका उल्टा। चलिए दोस्तों आपको इसका भी एग्जांपल लेकर और अच्छे से समझाते हैं। द क्रिमिनल विल निगेट ऑल चार्जेस इफ यू फेल टू प्रूव हिम गिल्टी। मीन्स क्रिमिनल के ऊपर कोई कार्रवाई या फिर कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर तुम उसे गिल्टी प्रूफ नहीं कर पाए तो। अब दोस्तों लास्ट में हमारे पास आता है क्वीर। इसका मतलब होता है एबनॉर्मल, मीन्स अजीब सा और अलग सा। चलिए आपको इसका भी एग्जांपल लेकर इसे अच्छे से समझाते हैं। दे आर क्वीर इन बिहेवियर एंड एक्सट्रीम अनकल्चर्ड इन देयर लाइफस्टाइल। मीन्स इन लोगों का बिहेवियर और इनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग सा है और अजीब सा है। तो दोस्तों अब लास्ट में मैं आप सभी दोस्तों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारी छोटी सी कोशिश और आपके एक शेयर से अगर किसी को इंग्लिश आएगी तो वो हमें बहुत ही दुआएं देगा। एंड अगर दोस्तों आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। एंड यार 14,400 से भी ज़्यादा लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप भी देर मत कीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो से जुड़ा आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एंड यार से बाय हार्ट, आई एम द स्टूडेंट ऑफ बापू क्लासेस।